रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मालेगांव शहर में 15 रोज पहले हमारे हकीम सलीम चौला साहब जो भिवंडी से आए थे, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफी पेशेंट देखे थे और 15 रोज से अभी तक ये काफी शहरों का दौरा करके वापस मालेगांव शहर में तशरीफ ले आए हैं। हकीम साहब ने उस वक्त जो पेशेंट देखे थे, उसके बाद हम लोगों ने हमारे शहर के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के हाथों से उनके क्लिनिक का इफ्तिताह किया था। उसके बाद से जो वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो में हम लोगों ने मेरा नंबर डाल दिया था। वो नंबर पे मुझे तकरीबन 15 दिन में 600 से 700 लोगों ने फोन किया और फोन करके मुझसे हकीम साहब की जानकारी ली। लेकिन हकीम साहब का एक्सीडेंट होने की वजह से हकीम साहब ने वक्त देने से इनकार कर दिया था। लेकिन हम लोगों ने फिर हकीम साहब से वक्त लेकर मालेगांव हकीम साहब को बुलाया है। अभी मुझे काफी सारे फोन आने के बाद हम लोगों ने हकीम साहब से रिक्वेस्ट की, तो हकीम साहब मालेगांव शहर में आज तारीख 21/1/2023 बरोज शनिचर और एतवार, आज और कल ये दो दिन हकीम साहब मालेगांव में रहेंगे। हकीम साहब का एड्रेस है दिल दादा की होटल के सामने, जो समा कॉम्प्लेक्स है उसके पीछे शालीमार कॉम्प्लेक्स के अंदर। सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक हकीम साहब वहां पे आप लोगों को मिलेंगे। और उसके अलावा जब हकीम साहब चले जाएंगे तो हकीम साहब का कॉन्टेक्ट नंबर मैं आप लोगों को देता हूँ, 777-000-1669। उसके अलावा मालेगांव का नंबर है 8446061101। ये मालेगांव का नंबर है। आप लोग अब मेरे नंबर पर फोन मत करना, मुझे दूसरे भी काम रहते हैं। अगर अपने मर्ज के ताल्लुक से बात करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो मर्ज आप लोगों को हकीम साहब बताएंगे। उसके अलावा हकीम साहब जो इलाज कर रहे हैं, कैंसर, बीपी, शुगर, दमा, अस्थमा, पैरालिसिस, आंख का, और जिनको ज्यादा फिरने में दुश्वारियां रहती है, उसके अलावा दिमाग का, ऐसे बहुत सारे मर्ज है जिस पर हकीम साहब काम कर रहे हैं। दावे तो हकीम साहब के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, लेकिन शिफा अल्लाह पाक के हाथ में है। लोगों का इलाज करा जिसमें हमारे नजीर शेख साहब हैं, जिनको ब्रेस्ट कैंसर था। डॉक्टरों ने उनको कहा था ऑपरेशन करने के लिए, उन्होंने मेरे पास आए और उन्हीं के जरिए से मैं मालेगांव पहुंचा हूं। तो उन्होंने मेरे से दो तीन महीने इलाज कराया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शिफायाबी नसीब हुई। और उन्होंने उसका दोबारा जाकर डॉक्टर से जांच भी करा ली। और उसके अलावा भी काफी मरीज है, अब उतना तो ज्यादा कहना नहीं, जब आप आके मुलाकात करेंगे तो खुद ही आपको मालूम पड़ेगा। और अभी ये 15 दिन के अंदर मैंने इलाज करके गया था, जो उस टाइम में मैंने करीबन 60 मरीजों को देखा था, लास्ट टाइम 60 मरीजों को देखा था। अगर 60 मरीजों में से कोई भी कंप्लेंट अभी तक तो नहीं आई।